जी लोक मेला आ, सच गया है इस्लामाबाद में जिस आ, के जैसे कि फातिमा कहा था प्रोमो हम आज राइजिंग पाकिस्तान में चला रहे हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फरीना मज़ह साहिबा जो कि फेडरल सेक्रेटरी है नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर डिवीजन की और ये नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर डिवीजन की ही काविश है जो कि हर साल आप लोग पिरसा में ये मेला एंजॉय करते हैं पाकिस्तान भर से फनकार आए होते हैं तो हमने सोचा फरीना साहिबा को भी दावत दें और इनका शुक्रिया भी अदा करें कि भाई आप, आप, आप इस्लामाबाद वालों के लिए इतना जबरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं लेकिन कुछ इसकी ज़रा डिटेल्स भी जानें गुड मॉर्निंग असल जी वाले बहुत शुक्रिया मुझे आज यहाँ मौका देने का कि मैं लोगों को बता सकूँ कि ये जो हमने सकाफती मेला इस दफ़ा अरेंज किया है जनरली तो ये नवंबर या अक्टूबर में सिर्फ साल में एक दफ़ा होता है लेकिन ये पहली दफ़ा हो रहा है कि ये दूसरी दफ़ा भी हम कर रहे हैं और उसकी वजह ये थी कि पिछली दफ़ा कोविड की वजह से दो साल बिल्कुल कोई इवेंट हुआ ही नहीं तो जब अक्टूबर में लास्ट ईयर हुआ लोगों ने बहुत पसंद किया और मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप दोबारा एक दफ़ा और करें तो हम कोशिश तो कर रहे थे कि मार्च अप्रैल में कर लें मगर वो तैयारी करते करते थोड़ी चीज़ें डिले होती गई तो लेकिन अब ये अच, अ, मतलब ये जरा छोटी सतह पर है पाँच दिन का मेला है अक्टूबर वाला तो होगा ना जी जी बड़े वाला <laughs> नहीं इंशाल्लाह होगा हम तो कोशिश करें कि रेगुलर फीचर बन जाए बल्कि दो की बजाय तीन या चार दफ़ा भी हम कर सकें बड़े स्केल पे दो दफ़ा कर लें और दो छोटे कर लें जून में अब चुके आप देखें कि बच्चे भी फारग हैं छुट्टियां हो गई हैं ओवरऑल एक हॉलिडे का एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर है पाकिस्तान से बाहर भी बहुत लोग आ, इस वक्त विज़िट कर रहे हैं तो मेरा ख़्याल था कि ये अच्छा मौका होगा कि लोग अपने कल्चर को अपनी हेरिटेज को एक दफ़ा इंजॉय करें लोग फिरसा के आ, आपने देखा है कि वो उसका वेन्यू भी बहुत खूबसूरत है नहीं और अच्छी बात यह कि जैसे आपने कहा कि जिस तरह लोग जा रहे हैं बच्चे जा रहे हैं तो डिफरेंट फूड्स भी हैं जी जी तो वो लोग उन प्रॉपर पिकनिक है ये सिर्फ बिरयानी नहीं मिलेगी बिल्कुल, जो भी मैंने जी बिल्कुल खाली बिरयानी नहीं मिलेगी आपको हर कल्चर का जो और बल्कि हर रोज एक म्यूजिक नाइट भी हो रही है जो कि म्यूजिक पंजाबी म्यूजिक भंगड़ा नाइट यू नो इस तरह की तो लोग बहुत ज्यादा उसको एंजॉय करते हैं एक फ्यूजन म्यूजिक नाइट होती है जिसमें आप मुख्तल के को आप मिल के, आ, पेश करते हैं तो ये मेरा ख्याल यकजहती एक, एक और हमाहंगी का भी एक बहुत दुण, बड़ा दुण, मौका दुण। मिलता है जब लोग सारे मिल के एक दूसरे की रवायात और सकाफत को आ, जांचते हैं और उसको एक्सपीरियंस करते हैं क्या अब आ, आपका अंदाजा है कि मतलब इस्लामाबाद पिंडी के लोगों के लिए तो एक ट्रीट है ही है जी लेकिन मेरा ख्याल है कि हम दूसरे जो करीब के दूसरे शहर है उनको भी हम इन करेंगे तंग कर रहे होते ना घर में तो कह चलो जी चलो लोग मेला देखते हैं तो करीब के मतलब पिशावर से लाहौर से चकवाल से दूसरे इलाकों के लोग भी आए और स्टूडेंट्स मैंने देखा उनके लिए भी बड़ी अच्छी ट्रीट है बहुत अच्छी सबके लिए

तो सबसे ज़्यादा तो मैं ये समझती हूँ ज़रूरी है कि यहाँ पे बाहर के लोग आएँ और टूरिज़म को हम इनक्रेज करें तो ये हम आ, जो पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट कोऑपरेशन है चूँकि अब ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है तो हर सूबा अपना अपना काम कर रहे हैं मगर नेशनल लेवल पे हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एक सबको मिला के भी कुछ हम इस तरह के पैकेजेस बनाएं और ऑफ़र करें कि लोग बाहर से ट्रैक दूँ तो अब जिस तरह हमारा एक सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है जो कि जिसने तकरीबन 6200 हजार दो सौ हेरिटेज एंड टूरिस्ट साइट्स को मैप किया है बाकायदा जियो मैपिंग की गई है अच्छा। जो कि पहली दफ़ा इस तरह से हुआ है ये तीन साल का प्रोजेक्ट था जिसमें हमने तलीमी अदारे और दूसरे जो रिसर्च ऑर्गनाइजेशन हैं उनसे सब डेटा कलेक्ट करके तो इसको एक ऐप की फॉर्म में बना दिए ये अभी भी Google Store पे अवेलेबल है इसका जो अभी पहला वर्जन है okay. और इसको हम अगले हफ्ते बाकायदा लॉन्च कर देंगे और क्या है इस ऐप का आ, आप ना... कोई भी साइट अगर आप उस पे जाना चाहें तो नाम इ... क्या है आ, इसका नाम अभी मैं मेरे ख्याल है कि फाइनल नहीं हुआ ठीक okay. है okay. जी okay. पाकिस्तान आर्कियोलॉजिकल इनहेरिटेज साइट्स के नाम से यानी उस पे जाकर किसी भी साइट के बारे में डिटेल जानना चाहे उसकी लोकेशन उसकी लोकेशन हाउ टू गेट देर कैसे there? हाँ जी पहुंचना है और इसमें तकरीबन हमने कोई आप समझे 1200 सौ साइट ऐसी भी आइडेंटिफाई की हैं जिनकी हालत बहुत ख़राब है आ, तो थी? हमने फेडरल गवर्नमेंट को और सूबों को बताया है कि इनकी रेस्टोरेशन की इमीजटली ज़रूरत है थी? थी? तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और अलहमद अब ख़त्म हो रहा है तो इसकी हम बाकायदा तो ये पाकिस्तान में और इवन पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग हैं वो अपना टूर प्लान करने के लिए उनको बहुत सहूलत होगी और उस साइट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन कितनी पुरानी है कब डिवेलप हुई उस सब चीज़ें उधर मौजूद हैं इन, इन सारी चीज़ों को रिवाइव करने के लिए रिवाइव तो नहीं मतलब रिस्टोर करने के लिए अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है क्या या बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है कि वो इमारत जो है या वो दीवार एक जो है खास उस, उसको तो वो कोई खास एक्सपर्टीज चाहिए होती देखिए एक्सपर्टीज भी चाहिए होती है पैसा भी चाहिए होता है लेकिन अच्छी बात ये है कि हमारे बहुत सारे दोस्त ममालिक इस एंगल से हमें हेल्प करने के लिए तैयार हैं hmm. और चाइना जिस तरह अभी हमारा एक एग्ज़िबिशन चाइना गया है okay. आ, गंधारा आर्ट एग्जिबिशन पैलेस म्यूजियम hmm. बीजिंग में वो हमने डिस्प्ले किया है hmm. तो hmm. उसका सारा खर्चा चाइनीज गवर्नमेंट ने मतलब लिया है और अब उनकी रिक्वेस्ट आ गई है कि हमें एक साल और इसको रिटेन करने दें क्योंकि दो महीने के लिए ओरिजिनली हमारा आ, उनके साथ एग्रीमेंट था तो दे वांट टू टेक इट टू अदर सिटीज़ वेल। तो वो ये चाहते हैं कि सारे चाइना में उसको डिस्प्ले किया जाए कोरिया uh, हमारे साथ काम कर रहा है उन्होंने हमें एक लैब बना के दिए हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियालॉजी एंड म्यूजियम है उसके अंदर और वो लैब अब बताती है कोई भी अगर है कि कितना पुराना है इसमें कौन से केमिकल्स यूज हुए हैं oh, wow. और ये कब बना था वो उसकी एज भी बता देती है oh. और सबसे अच्छी बात ये कि उन्होंने हमारे बच्चे ट्रेन किए हैं oh. जो कि ये काम कर सकेंगे oh. आइंदा तो ये भी और ये सारा ग्रांट की uh, शेप में है और uh, यानी हम सिर्फ बाहर से बाहर वो तो बड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है ना हाँ, बाहर के माहरी को आप बुलाते रहे चाइना से कोरिया से दूसरे ममालिक से अपना भी हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होना चाहिए एग्जैक्टली exactly, ऐसा ही है अच्छा तो। जी तो ये मेले के कुछ फरीना साहब टाइमिंग्स बताएं कितने बजे शुरू हो रहा है कितने बजे पूरा दिन चलता रहेगा गर्मी वर्मी है तो वहाँ पे कुछ ठंडे शरबत वरबत कोई नींबू पानी इंतजाम है <laughs> अब आप कल देखे कितना अच्छा मौसम था शाम को हाँ, और इतना exactly. माशाल्लाह इतने लोग थे उधर ये सुबह 11 बजे से शुरू होगा और शाम 10 बजे रात तक चलेगा तो मतलब लोग अपने दफ्तर के बाद भी जा सकते हैं और वीकेंड पे भी ये चल रहा है क्योंकि आपको पता ही है और बस हम तो ये दुआ कर रहे हैं कि बहुत गर्मी ना हो और लोग उधर उस, उसको एंजॉय कर सकते और अगर गर्मी भी है तो जो लोग आ रहे हैं अगर हम इस पर बात कर ही रहे हैं तो अगर लोग आ रहे हैं तो डेफिनेटली अपनी कैप्स और ये चीजें जरूर लेकर आए अपना कि सन से प्रोटेक्शन और वो चीजें करें क्योंकि जितना आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे उतना आप इंजॉय भी कर सकते एग्जैक्टली नहीं उधर आके खरीदे भी कैप्स उधर भी बड़ी अच्छी बिल्कुल चल बस आप आने वाली करें आप आए और आके हमसे करें उधर भी हमने कवर्ड जगह बनाई हैं जिस तरह फूड स्टॉल्स जहाँ पे वो सब कवर्ड हैं पंखे लगे हुए हैं तो वो

और, और पंजाब की तरफ बढ़ेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद